हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग पहले क्वेश्चन किए थे पिछले दिन, जो संडे का था, संडे को हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और आप लोगों को क्वेश्चन का जो 500 क्वेश्चन का सेशन बोल रहे हैं कि 500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, वो करवाएंगे, ठीक। और आप लोग को शुरू से लेकर अभी तक जितना भी केमिस्ट्री का क्लास हुआ है वो सब देखना है तो आप प्ले लिस्ट खोलिए, प्ले लिस्ट में वो सब मिल जाएगा, वहां से जाकर सब देख लीजिए। अच्छा अच्छा चीज बताएं, थ्योरी भी बताएं, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो थ्योरी और साथ में क्वेश्चन, जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसी का क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसको जरूर देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, आप ही लोगों के लिए ये सब हो रहा है। और उससे पहले आप लोग सभी जगह शेयर कर दीजिएगा और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए, समझे। बीच में छोड़ के भाग जाइएगा तो फिर अच्छा आप लोग को भी नहीं लगेगा। अगर अच्छा से समझ, मतलब पहले से अगर आप लोग जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। लेकिन वो ये वैसे बंदे के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको नहीं मालूम हो, कुछ भी नहीं मालूम हो, वो लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और जिनको पता है कि हमको सब मालूम है तो फिर उनका क्या है, उनको। लेकिन क्वेश्चन करवाते हैं तो सबका गलत हो जाता है। थ्योरी पढ़ा देते इसके बाद भी क्वेश्चन करवाते तब भी सब गलत हो जाता। और स्पेशल केमिस्ट्री का करवाए थे, जो भी पढ़ाए थे चैप्टर, उसी में से एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन करवाए थे, उसी में से सबका गलत हो गया था। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां तक हम लोग पढ़े थे वही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग परमाणु संख्या से स्टार्ट करते। देखिए परमाणु संख्या, हम आप लोग को बताएं, परमाणु संख्या जो होता है, जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का पहचान, जैसे हम लोग को शरीर ये सब का पहचान उंगली के फिंगरप्रिंट से होता है, उसी तरह से एलिमेंट का पहचान कैसे होता है, उसका परमाणु संख्या से। जैसे हाइड्रोजन को पहचानना है, हीलियम को पहचानना है, नाइट्रोजन को पहचानना है, ऑक्सीजन को पहचानना है, लोहा को पहचानना है, तो ये सब को पहचान कैसे करेंगे, उसका अपना कुछ पहचान है, उसका अपना कुछ परमाणु संख्या है, उसका द्रव्यमान संख्या है, तो उसको परमाणु संख्या से हम लोग उसको पहचान करते हैं। ये किसने बताया थे परमाणु संख्या के बारे में, मोजले एक साइंटिस्ट थे, वही बताया थे परमाणु संख्या। और देखिए परमाणु संख्या में क्या होता है ना कि परमाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन चीज में तोड़ सकते हैं। तो इसमें हम आप लोग को एक क्वेश्चन करवाए थे कि अगर मान लीजिए पूछा जाए कि परमाणु संख्या किसके बराबर है, तो ऑप्शन अगर देंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना, प्रोटॉन को देना है। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना, प्रोटॉन को, क्योंकि वो धनावेशित चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर ऑप्शन में आप लोग को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है, और अगर दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मान लीजिए ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, और सी ऑप्शन दोनों अगर नहीं है, कुछ और दिया हुआ है, डी भी कुछ और दिया हुआ है, तो हमेशा प्रोटॉन को प्रायोरिटी दीजिएगा। लेकिन एक चीज ये भी कन्फर्म है, ये भी है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। आखिर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और उसी के बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। यहां से एक ये भी सवाल उठ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं लेते हैं, बस यहां से उठ रखिएगा, याद करिएगा। तो मतलब परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक, ये भी बताया था। फिर प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। फिर ये सबका सब क्या, कौन साइंटिस्ट कौन कौन सा चीज खोज किए थे, ये सब भी बताए थे। तो परमाणु संख्या हम लोग समझ गए कि जो प्रोटॉन का संख्या होगा वही परमाणु संख्या। अब आते हैं द्रव्यमान संख्या में। देखिए द्रव्यमान संख्या भी लगभग लगभग वही है, जैसे द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये परमाणु संख्या किसके बराबर, परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या बराबर सबसे पहले प्रोटॉन होगा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन, इसके बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन इसके बराबर नहीं होता, ठीक। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रखना याद, परमाणु संख्या समझे। इसके बाद एक होता है द्रव्यमान संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, हम लोग को परमाणु तीन चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लिया जाता है, किसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को लिया जाता है हमेशा द्रव्यमान संख्या। अब इसी को क्यों लिया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि ना रदरफोर्ड एक मॉडल दिए थे, उन्होंने क्या बताया थे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाए थे उस, वो भी देखिए वीडियो, उसमें बताए थे कुछ, उन्होंने बताया थे कि एक परमाणु है उसका टोटल द्रव्यमान कहां होता है, न्यूक्लियस में, मतलब टोटल द्रव्यमान कहां होता है,
उसका केंद्र में सेंटर में ठीक, और यही सेंटर में आके टोटल द्रव्यमान था, और यही सेंटर में क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ क्या था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी के चलते द्रव्यमान संख्या किसके बराबर हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि टोटल द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है केंद्र में, और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इसी में से देखिए, अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसी में सब न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछ देता है कि मान लीजिए परमाणु संख्या 5 दिया हुआ है ठीक, और द्रव्यमान संख्या 15 दिया हुआ है, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, परमाणु संख्या 5 है द्रव्यमान संख्या 15 है, तो पूछ देगा कि न्यूट्रॉन कितना हुआ, तो देखिए अब बोलिएगा कि यहाँ प्रोटॉन पढ़े लेकिन आप बोल रहे हैं परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन बराबर ही होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बराबर ही होता है प्रोटॉन, तो आप लोग ना इसमें भी फंस जाते हैं, इसमें नहीं फंसना है, हमेशा याद रखना है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन की जगह क्या हो सकता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन, या क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, तीन चीज बराबर हो सकता है द्रव्यमान संख्या। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, न्यूमेरिकल भी इससे पूछ देता है, बोल देगा ना कि इलेक्ट्रॉन एक नाभिक में, या किसी बोल देगा किसी भी एलिमेंट का उसका परमाणु संख्या सॉरी द्रव्यमान संख्या दे देगा 23 दे देगा, और उसमें बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है या प्रोटॉन कितना है 11 है, तो उसको मैं बताया कि न्यूट्रॉन कितना है, या बोल देगा कि उसका परमाणु संख्या 11 है तो न्यूट्रॉन कितना, यानी परमाणु संख्या बोल दिया तो हम लोग समझ गए कि वो प्रोटॉन के बराबर होगा या इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ठीक। तो चलिए यहां तक तो समझ गए कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। इसके बाद देखिए, यहां तक आप लोग हम पढ़ा चुके थे, यहां तक पढ़ा चुके थे, रिपीट करवा दिए। इसके बाद हम लोग आते हैं आइसोटोप में और एक आते हैं आइसोबार में। अब देखिए आइसोटोप क्या था, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, आइसोटोप मतलब क्या होता है समस्थानिक, और आइसोबार मतलब होता है समभारिक। थोड़ा सा देखिए, सम स्थानिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सम स्थानिक कहने का मतलब क्या होता है, सम स्थानिक मतलब आइसोबार, आइसोबार मतलब आइसोटॉप, यानी सम स्थानिक, सम स्थानिक, सम स्थानिक इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आइसो आइसोटॉप, आइसोटॉप बोलते हैं सम स्थानिक। देखिए सम स्थानिक किसको बोलते हैं, देखिए सम स्थानिक क्यों लाया गया, जब एलिमेंट का खोज हो रहा था तो एलिमेंट का खोज हो रहा था तो उसमें देखा गया कि बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है जिसका कुछ कुछ अपना प्रॉपर्टी एक साथ मिल रहा है, जैसे दो चीज कुछ ले लिया और देख रहा है कि हाँ दोनों चीज का कुछ अपना अपना प्रॉपर्टी मिल रहा है, जैसे आप लोग जिसको कोलोन बोलते होंगे, आप लोग देखते होंगे ना कि एक ही आदमी के जैसा एक और आदमी दिख रहा है, एक और आदमी दिख रहा है, लेकिन देखिए दोनों में कुछ कुछ ऐसा चीज है, दोनों में सेम गुण पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल दोनों में सेम गुण है, दोनों में अलग अलग गुण है, जैसे आप लोग जुड़वा देखते होंगे दोनों में क्या है कलर सेम दिखता है, दोनों हाइट सेम दिखेगा, हर एक चीज का सेम दिखेगा, लेकिन क्या होता है दोनों में थिंकिंग क्या आता है अलग अलग होता है, एक अलग सोच सकता है एक अलग सोच सकता है, एक लड़ाई करने में आगे रहेगा तो एक थोड़ा शांत रहेगा, इस टाइप का भी रहता है, लेकिन कुछ कुछ क्या होता है उसका गुण सेम होता है। उसी तरह एलिमेंट भी जिस टाइम खोज किया जा रहा था उस टाइम भी देखा गया कि बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी जिसका गुण क्या है सेम है, तो उसी में से देखा गया कि आइसोटॉप किसको बोला गया, कि आइसोटॉप उसको बोला, देखा गया कि अरे दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा है कि उसका परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या समान आ जा रहा है लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग आ जा रहा है, देखा गया कि हाँ इसमें कुछ कुछ सेम प्रॉपर्टी, इसलिए सेम प्रॉपर्टी इसलिए उसको रखा गया कि चलो इस दोनों को परमाणु संख्या सेम कर देते हैं, और इसके बाद जो और है मान लीजिए उसका द्रव्यमान संख्या जो भी द्रव्यमान है उसको अलग अलग कर देते हैं ठीक। तो देखिए यहां समस्थानिक किसको बोला गया, आइसोटॉप किसको बोला गया, जिसका जिस एलिमेंट का परमाणु संख्या समान, यानी परमाणु संख्या क्या है परमाणु संख्या समान यानी बराबर बराबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी जो एटॉमिक मास है द्रव्यमान संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग 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 अलग, उसी को हम लोग क्या बोल दिए, उसी को हम लोग बोल दिए समस्थानिक आइसोटॉप, मतलब परमाणु संख्या समान हो लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसी को हम लोग क्या बोल दिए
आइसोटॉप बोल दिए। अब देखिए, अब तो यहां समझ गए कि हाँ परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग कैसे हो जा रहा है, यहाँ ये सोचने वाली बात है। और हम लोग क्या जानते हैं, द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या बराबर हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर हम लोग क्या जानते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परमाणु संख्या क्या है, समान है, यानी परमाणु संख्या बराबर क्या है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन है। याद रखिएगा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन है, लेकिन देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जा रही है, यानी ये जो प्रोटॉन है सब में सेम है, लेकिन आखिर जब न्यूट्रॉन सब जितना एलिमेंट है सब एलिमेंट में न्यूट्रॉन चेंज आ रहा है, तब क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन चेंज हो जा रहा है, इसी के चलते इसका द्रव्यमान संख्या में चेंजिंग आ रहा है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग आ रहा है। इसलिए याद रखना इसमें कि सम स्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। लेकिन द्रव्यमान संख्या किसके चलते अलग अलग हो जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या एलिमेंट में अलग अलग हो जाता है, इसी के चलते इसमें द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग हो जाता है। इसको यहां से याद रखिएगा, ठीक। जैसे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का, क्लोरीन के दो आइसोटॉप है, क्लोरीन का 17 और 35, 35.5 या 35 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और एक क्लोरीन का 17 है 37। तो यहां देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, क्लोरीन का भी परमाणु संख्या 17 है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या एक का 37 आ रहा है, एक का 35.5 आ रहा है। तो देखिए जितना इसमें प्रोटॉन है उतना ही इसमें भी प्रोटॉन है, दोनों में प्रोटॉनों की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, दोनों में अलग अलग, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाने के चलते क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो जाता है। ये चीज यहां से याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होता है, का एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटीरियम होता है और एक ट्राइटियम होता है, याद रखना। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होता है, एक प्रोटियम होता है, एक ड्यूटीरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है, ठीक। और ड्यूटोरियम जो होता है D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग परमाणु भट्टी में ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो याद रखना, तो समस्थानिक समझ गए, समस्थानिक यानी प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक, इसका कहने का मतलब कि सबका परमाणु संख्या क्या है, सब में परमाणु संख्या सेम होगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या, एक का एक है द्रव्यमान, एक का दो है, एक का तीन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों हो जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, सब में अलग अलग है। और अगर केवल पूछा जाए कि हाइड्रोजन केवल एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन केवल पूछा जाए, उसका समस्थानी के बारे में जिक्र नहीं किया जाए, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, जीरो होता है, न्यूट्रॉन जीरो था। लेकिन अगर यह समस्थानिक में आ जाए तो प्रोटियम में क्या होता है, प्रोटियम में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में कितना न्यूट्रॉन होता है, दो न्यूट्रॉन होता है। इसी के चलते तो इसका परमाणु द्रव्यमान तीन हो गया और इसका दो हो गया। तो एक चीज यहां से याद रखना, ठीक। कार्बन का भी 6, 12, 6, 14 कार्बन का भी होता है। फिर समस्थानिक का भी बहुत जगह यूज होता है, हर एक चीज का, यूरेनियम का समस्थानिक होता है, आयोडीन का समस्थानिक होता है, कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, जिसको हम लोग जनरली यूज भी करते हैं, जैसे ये मेडिकल में भी होता है, जैसे कोबाल्ट का कैंसर, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के लिए, आयोडीन का समस्थानिक होता है घेंघा रोग, ये जो गर्दन में हो जाता है ना, इसके लिए यूज किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है उधर परमाणु भट्टी में, तो सबका बहुत जगह, बहुत सारा एलिमेंट ऐसा होता है जिसका यूज किया जाता है, जैसे धातु का भी यूज होता है, लोहा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लोहा को खाते नहीं है, डायरेक्ट कुछ भी चीज है उसको हम लोग ग्रहण नहीं करते, लेकिन उसको अदर तरीका से, अदर मेथड से हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। तो ऐसे जैसे डायरेक्ट अगर आप लोग को लोहा खाने के लिए दे दिया जाए तो नहीं खाएगा, कैसे खाइएगा, नहीं खा पाइएगा, तो लेकिन उसको अलग मेथड से, जैसे सब्जी के द्वारा, हरे साग सब्जी के द्वारा, और कुछ अलग जैसे दवा के द्वारा, या और कुछ अलग तरीका से हम लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं शरीर में। तो चलिए समस्थानिक हो गया, अब आते हैं थोड़ा समभारिक में।
अब आते हैं थोड़ा कि इसमें संभारिक। अब देखिए संभारिक क्या होता है, संभारिक को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? संभारिक को हम लोग बोलते हैं आइसोबार। अब देखिए संभारिक में क्या होता है, संभारिक इसका नाम से ही पता चल रहा है संभारिक। भारिक मतलब वजन, वजन मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान सम है, मतलब द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होता है? बराबर बराबर होता है। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है संभारिक मतलब आइसो आइसो बार। यहाँ आइसो बार, बार मतलब क्या? बार छोड़ दीजिए, उस पर मत जिक्र कीजिए। संभारिक आइसो बार। अब देखिए संभारिक क्या आता है, हम लोग अभी समस्थानिक पढ़े। समस्थानिक में क्या था कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, लेकिन इसमें क्या होता है जस्ट उसका उल्टा। संभारिक मतलब क्या कि द्रव्यमान संख्या बराबर लेकिन परमाणु संख्या क्या अलग अलग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं संभारिक आइसो बार। याद रखना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो बार। यानी इसमें इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संभारिक में आइसोबार किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग का द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर। इंग्लिश वाले भी समझिएगा, द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या अलग अलग होता है, अलग 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 होता है। अब देखिए तो इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि परमाणु संख्या अलग अलग यानी द्रव्यमान संख्या बराबर बराबर। तो द्रव्यमान संख्या में क्या मिलता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन का जब चेंजिंग होता था तो क्या घटना घटता था? न्यूट्रॉन का जब चेंजिंग होता था तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाता था, लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या ही क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन में चेंज नहीं होगा। जब न्यूट्रॉन में चेंज नहीं होगा तो यहां बोल रहा परमाणु संख्या अलग अलग है, यानी जब परमाणु संख्या अलग अलग है तो इसका मतलब फिक्स है कि प्रोटॉन में क्या होगा? चेंज होगा। जितना भी संभारिक है, जितना भी आइसोबार है, उसमें परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या क्या सब में अलग अलग होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? सब में समान होता है। ये चीज दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दो बार वीडियो देखिए, दो बार में नहीं समझ में आता है तो तीन बार देखिए, तीन बार इतना डाटा मिलता है आप लोगों को। डाटा करते क्या है, यूज करना सीखिए, फालतू में मत यूज कीजिए। फिल्म देख लीजिए, टिकटॉक चला लीजिए, और अगर वो सब भी देखते तो उसपे भी काम वाला चीज देखिए। अरे सब दिन मजा करना है, आप लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? सब दिन मजा कीजिएगा, एक जगह पहले सेटल हो जाइए, इसके बाद मजा कीजिए। मजा करना किसी कोई रोका नहीं है। देखिए हर एक चीज का एक फील्ड होता है, हर एक चीज का एक लाइन होता है। जो आदमी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, अगर उसका एक बार डिस्टर्ब हो गया ना दिमाग, एक बार डिस्टर्ब हो गया ना, तो फिर सच में वो कभी भी लौट के नहीं आता। आप लोग जो चार साल पढ़ाई छोड़ दिया है उन लोग को बोलिए, आप लोग को हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं। अगर घर में कोई वैसा होंगे, आप लोग गार्जियन होंगे या और कोई होंगे, उनसे पूछिए चार साल बाद जो छोड़ दिए हैं, बुक उलट के नहीं देखे, उनसे पूछिए कि पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो सीधे बोलेंगे क्या है सब ऐसे करता, उन लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए एक बार जहां पढ़ाई से दिमाग हटा तो फिर दुर्घटना घटेगा। इसलिए एक बार पढ़ाई से हट गया दिमाग पे, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है दिमाग को ना। एक चीज हम बताएं, ये दिमाग है ना हमेशा गलत की ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप लोग को ये भी थिंकिंग आया होगा जरूरी कि देखिए हमेशा ये दिमाग है ना, दिमाग पे जैसे ही लोड पड़ता है ना तो तुरंत दिमाग में छोड़ो इसको, भागो यहां से, दूसरा काम करते हैं। ऐसा है ये दिमाग, मतलब दिमाग लोड लेना नहीं चाहता। जैसे ही थोड़ा सा कष्ट होगा ना तो तुरंत वहां से दिमाग हटाने के लिए बोलेगा। जहां गलत चीज है, गलत ओर है, वहां दिमाग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा दिमाग का कंडीशन है ना, इसको समझिएगा बात को, नहीं तो ये दिमाग कहां से कहां पहुंचा देता है। तो चलिए यहां तो ये हो गया, संभारिक हो गया, परमाणु संख्या अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। देखिए इसमें भी संभारिक है, जैसे ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम
ऑर्गन लिखिए, पोटेशियम लिखिए और कैल्शियम लिखिए, लेकिन सबका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 40-40 ही है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, सबका 40-40 है, लेकिन देखिए इसका परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है, 19 है, पोटेशियम कैल्शियम है, और इसका परमाणु संख्या क्या है, 18। तो देखिए सब में परमाणु संख्या क्या हो रहा है, परमाणु संख्या अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, सबका सेम है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो 18 है, इसमें 18 ये का है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या बराबर क्या है, प्रोटोन है, परमाणु संख्या बराबर क्या है, प्रोटोन है। ये भी क्या है, ये भी परमाणु संख्या, ये भी प्रोटोन है, इसमें भी परमाणु संख्या बराबर क्या है, प्रोटोन है। तो आखिर सब में प्रोटोन की संख्या क्या है, प्रोटोन की संख्या चेंज हो रहा है, प्रोटोन की संख्या चेंज हो रहा है, इसी के चलते परमाणु, इसी के चलते क्या हो रहा है, परमाणु संख्या अलग अलग हो जा रहा है और द्रव्यमान संख्या क्या है, सब में बराबर बराबर है। यानी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जा रहा है, इसी के चलते प्रोटॉन की संख्या सब में अलग अलग हो जा रहा है। समभारी में क्या है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, सबका बराबर है। यहां से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, देखते हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, रुकिएगा। 18, 19, 20, 20, 40 नहीं कुछ नहीं, 7, 6। तो यहां से अगर हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो सब में तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग आ जाएगा। तो इसमें ये नहीं याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन सब में क्या होता है, बराबर होता है, ऐसा नहीं। समभारिक में क्या है, बस एक चीज याद यहां से रखिएगा, समभारिक में क्या है कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। और अलग अलग में अलग अलग क्यों हो जाता है परमाणु संख्या, क्योंकि परमाणु, क्योंकि प्रोटोन की संख्या क्या है, अलग अलग हो जाता है, इसलिए परमाणु संख्या अलग अलग हो जाता है। और समस्थानिक में क्या था, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जा रहा था। क्यों द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जा रहा था, क्योंकि वहां न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जा रही थी। बस इतना याद रखना है इसमें, ठीक। और एक होता है वैलेंसी, देखिए वैलेंसी हम ऐसे ही बता देते हैं आप लोगों को, इसमें ज्यादा नहीं कुछ करेंगे। वैलेंसी देखिए, वैलेंसी मतलब संयोजकता, संयोजकता क्या होता है, जैसे देखिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n² के तहत कि 2n² के टोटल इलेक्ट्रॉन कितना एक नाभिक के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो देखिए हर एक आदमी है, हर एक इंसान सोचता है ना कि हम कुछ जॉब लेके या कुछ अच्छा काम करके एक जगह सेटल हो जाए, एक जगह स्थगित हो जाए। तो उसी तरह से कोई भी परमाणु है या कोई भी तत्व है, वो भी तत्व सोचता है ना कि हम भी एक जगह क्या हो जाए, सेटल हो जाए, हम भी झूठो की इधर उधर भटके नहीं, किसी दूसरे के, ये सोचता है ना कि किसी दूसरे के साथ मिलके और एक अपना फिक्स हो जाए। जैसे आदमी ऐसे भी सोचिएगा, आदमी जब शादी ब्याह हो जाता है ना तो एकदम स्थिर हो जाता है, इधर उधर भटकता नहीं है। तो उसी तरह से एलिमेंट भी क्या है ना कि एलिमेंट भी सोचता है ना कि जिसके जो अस्थिर नहीं है, एक जगह नहीं है, तो उसका दिमाग में कुछ ना कुछ चलता होता है कि हम किसको साथ लाएं, किसको पास लाएं, किसको पास ला के हम अस्थिर हो जाए, एक जगह हो जाए, तो उसके दिमाग में भी चलता है। जैसे देखिए संयोजकता क्या होता है, संयोजकता अगर वैलेंसी निकालना हो किसी भी चीज का, वैलेंसी, वैलेंसी मतलब ही यही चीज होता है ना, संयोजकता मतलब कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना हमको कैपेसिटी था उतना कैपेसिटी से अगर ज्यादा कैपेसिटी मेरे पास है, मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करना है कि दूसरे को दे के अपने आप को क्या कर देना है, स्थिर हो जाना, अपने आप में स्थिरता ले आना, या नहीं तो दूसरे पास से कुछ अपने पास लेके अपने आप को स्थिर कर लेना है, यही इसमें है वैलेंसी।
मतलब कि बाहरी कक्षा में यानी सबसे बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी पे डिपेंड करता है बैलेंस। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल तौर पे लेते हैं, एग्जांपल तौर पे अगर लेना चाहते हैं तो जैसे देखिए सोडियम को लेते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम क्या है? सोडियम एक एलिमेंट है, Na एक एलिमेंट है। इसका अगर हम लोग परमाणु संख्या लिखे तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। याद कीजिएगा, याद रखना है सबका, जितना भी एलिमेंट है स्टार्टिंग से याद रखिएगा, वो सब बताना पड़ेगा, याद कीजिएगा, रट दीजिएगा सर। सोडियम का क्या है? 11। अब देखिए ये जो 11 एलिमेंट है, सॉरी ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसको अब हमको एक सेल में घुमाना है कि कितना कहां घूमेगा। तो स्टार्टिंग सब लोग क्या करते थे, 2n² यानी एक सेल में कितना घूमेगा, 2 × n बराबर अगर 1 रखे तो 2 × 1 बराबर क्या होगा, 2। दूसरा अगर n बराबर 2 रखे तो 2 × 2² 2 × 4 = 8 यानी पहला में 2 को घूमेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 को घूमेगा, यानी पहला में क्या है इलेक्ट्रॉन घूमेगा 2 को, 1 को 2 को, दूसरा में क्या है 8 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी देखिए अभी इस स्टेबल है, एकदम फिक्स है, आराम से अपना चक्कर लगा लेकर, लेकिन क्या कै गो एलिमेंट हुआ, 8 × 2 = 10 और टोटल इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, 11 को, लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन अभी अपना स्थान ग्रहण किया है। तो ये वो और इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये वो इलेक्ट्रॉन तो अकेले बाहर घूमेगा ना, अकेले बाहर कितना इतना उसके पास एनर्जी ही नहीं है ना, इसके पास उतना ऊर्जा ही नहीं है ना कि ये सबको बांध के साथ साथ घुमा सके। तो ये जो एक एक्स्ट्रा बचता है, ये सोचता है ना कि हम तो इन लोगों के साथ मिलजुल के रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास अपना फुल पावर में, इन लोग फुल एनर्जी में, और इसके पास टोटल एनर्जी है ये नहीं, ये अकेले इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी होगा, जहां 8 इलेक्ट्रॉन है, जहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन में उतना एनर्जी रहेगा ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, सोचता है ना कि चलो हम दूसरे के साथ मिलके, दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, दूसरे के साथ मिल बांट के हम भी स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो सोडियम है, कोई अगल बगल वाला जो भी इसके अगल बगल है जिसको एगो इलेक्ट्रॉन का जरूरी है, ये जो एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा वो इलेक्ट्रॉन का जरूरी है, वो क्या करेगा, दूसरे के पास पहुंच के और उसको भी क्या कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी जो भी बाहरे जो भी सबसे बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी। यानी ये जो सोडियम है, सोडियम का वैलेंसी कितना है, सोडियम का संयोजकता कितना है, सोडियम का वैलेंसी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर है यानी एन वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा इसका, वैलेंसी यानी संयोजकता बराबर 1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू बच गया और ये एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ जाके मिल जाएगा। और एक चीज यहां से ये भी ध्यान रखिएगा कि ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ जाके मिल रहा है, दूसरे के साथ मिल रहा है यानी दूसरे को दे रहा है, यानी इसके पास कुछ है, पावर है, ज्यादा पावर है तब तो दूसरे के साथ जाके मिल रहा है। तो ज्यादा पावर है इसलिए ये सोडियम को, सोडियम आगे जा रहा है दूसरे के साथ मिल रहा है, या सोडियम ये वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूसरे को दे रहा है। इसलिए आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे ना सोडियम के ऊपर +1+ लिखा हुआ रहता है, 1+। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एगो इलेक्ट्रॉन बाहर बचा ये दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे को दे रहा है। इसलिए सोडियम 1 है, यानी ये थोड़ा चार्ज है, फुली चार्ज है, ये पॉजिटिव पे चार्ज होता है, इसलिए सोडियम के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, Na+, जिसको हम लोग आयन बोलते हैं, क्या आयन, यानी सोडियम का 1 आयन। और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से और एलिमेंट है, जैसे देखिए मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या होता है 12, अब इसको निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो स्टार्टिंग में शुरू में 2 घूमेगा, फिर कितना घूमेगा 8 घूमेगा, 2 घूमेगा 8 घूमेगा, 8 × 2 = 10 यानी बाहरी सेल में, यानी बाहरी में कितना घूमेगा 2 घूमेगा, तो बाहरी में 2 तो अकेले घूम नहीं पाएगा क्योंकि इतना एनर्जी है ना। तो ये भी क्या करेगा, ये भी बाबू साहब बोलेगा कि चलो मेरा जो 2 है वो तू ले लो, अगला को जो भी उसके अगल बगल वाला होगा। आप लोग को भी क्या करते हैं, ज्यादा पैसा हो जाता है अगर कोई मान दिया तो चलो दे देते हैं, उसका भी भला हो जाएगा, मेरे पास अपना काम चला है, ये है, ये भी सोचता है चलो दूसरे को भला कर ले, भला हो जाएगा, दूसरे को भी थोड़ा बहुत कुछ आशीर्वाद दे देगा तो ठीक है, नहीं आशीर्वाद देगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मत सोचेगा कि ये इंटरेस्ट में देता है, इंटरेस्ट नहीं लेता, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेता, बस दे देता है। तो देखिए अब ये 2 को दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कि 2 को दे रहा है, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, संयोजकता 2 हो जाएगा, तो इसका ऊपर क्या लिखा जाएगा, Mg के ऊपर +2+2। अब कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो लेता है, जैसे देखिए क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का 17 होता है, अब देखते हैं क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 2
प्लस 8 और 2 10 और 7 17, लेकिन लास्ट में हम लोग कितना देखते हैं कि लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, और ये बेचारा का एक इलेक्ट्रॉन क्या है, घट रहा है। तो ये सोचेगा ना, दूसरा से भीख मांगेगा, दूसरा से मांगेगा कि बाबू साहब मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन और दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा हम ना तो हम स्थिर हो जाएंगे अपन जगह पे। या नहीं तो देखिए, अगर ये बोलेगा, मान लीजिए सौ रुपया नहीं, आपके पास दो आदमी थे, एक आदमी ये है एक आदमी ये, एक के पास 99 रुपया पैसा है, एक के पास 1 रुपया पैसा है, अब दोनों को 100 रुपया की जरूरी है, तो ये जो 99 रुपया वाला है ये थोड़ी ना 1 रुपया वाला को 99 रुपया दे देगा और बोलेगा बाबू क्या करेगा, 99 वाला बोलेगा बाबू तू 1 रुपया है तुम्हारे पास, तू हमारा दे दे, तू हमारा दे देवे ना तो हम काम कर लेगा जाकर उन्हें बिस्कुट विस्कुट खा लेंगे 100 रुपया के लेके। तो ये जो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज्यादा वाला है ना कम वाला के देगा नहीं, लेकिन कम वाला है ज्यादा वाला का दे देगा। जैसे देखिए, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसको बचा है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को नहीं देगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से पैंचा लेगा, कर्जा लेगा, चाहे जिससे भी ले, दूसरे से एक कर्जा लेके और अपने आप को स्टेबल करके 8 बना लेगा। तो देखिए, एक जो दूसरे से लिया अपने आप को स्थिर करने के लिए, एक दूसरे से लिया यानी एक जो लिया एक इलेक्ट्रॉन, वो इसके पास एक कर्जा हो गया, इसलिए आप लोग देखते हैं क्लोरीन के ऊपर -1 लिखा हुआ रहता है, यानी -1 कहने का मतलब किसका, एक इलेक्ट्रॉन कर्जा में है, चाहे जैसे जिससे भी हो। जैसे आप लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम में कितना था, देखिए एक था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर बच रहा था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर बच रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा क्लोरीन को, ले लेगा वो, तुम क्लोरीन को अपने दे देगा, क्लोरीन को एक दे देगा, तो यानी सोडियम अपना प्लस में आ जाएगा और क्लोरीन अपना माइनस में आ जाएगा, लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, दोनों स्थिर हो जाएगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबल होके और एक अलग चीज का निर्माण कर देता है। जैसे वही जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, यही है आयन वैलेंसी, बस इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। देखिए ये समझ में आया या नहीं आया ये केवल बता दीजिएगा मेरे को, वैलेंसी और आयन जो समझ में आया या नहीं आया ये मेरे को बता दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो इसका एक क्लास हम और ले लेंगे, बस इसको आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। अगर ये नहीं आया तो इसको जरूर एक बार बताइएगा, अगर ये आ गया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो हम इसको बताएंगे, क्योंकि अगले दिन हमको नया चैप्टर शुरू करना, अगले दिन मेरे को नया चैप्टर शुरू करना, इसलिए ये आया या नहीं आया ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। बस आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं, आई होप अगर अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा हुआ होगा तो उसका कारण जरूर बताइएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा, ठीक, क्यों अच्छा नहीं लगा ये कारण आप जरूर बताइएगा, ठीक। बस वीडियो को शेयर करते रहिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक, थैंक यू, बाय।